हेलो दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल पेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स यू शुड नो फॉर डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स यू शुड नो, फर्स्ट इज़ वॉट इज़ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है। वॉट इज़ होस्टिंग सर्विस, हाउ टू गेट अ डोमेन एंड होस्टिंग, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ये चारों पॉइंट्स हम एक के बाद एक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको डोमेन नेम एक्सप्लेन करूँ, मैं ये चारों पॉइंट्स आपको पढ़ के एक बार बताना चाहता हूँ। डोमेन नेम इज द नेम गिवन टू योर वेबसाइट, इट इज नथिंग बट एन एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। इन जनरल अ डोमेन नेम रिप्रेजेंट्स एन आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। Every domain name is unique. No two websites can have the same domain name. देखिए दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आपने वेबसाइट बना ली है, तो आपको उस वेबसाइट को एक नाम देना होगा जिसे डोमेन नेम कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट को नाम नहीं, एक एड्रेस दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने घर पर बुलाऊँ, तो मुझे आपको अपने घर का एड्रेस देना होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट को ओपन करें, तो मुझे आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना होगा जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईपी एड्रेस कुछ इस फॉर्मेट में होता है, वो कुछ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, चार भागों में डिवाइड, 0 से 255 के रेंज के बीच में नंबर्स होते हैं, जिसे याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस चीज़ को ईजी करने के लिए डोमेन नेम सीन में आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि IP address is like 43.255.152.46, which is not as easy to remember. Just to overcome this issue, domain name came into existence. जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो IP address है, समझ लीजिए ये मेरी वेबसाइट जो कि virtualpainter.in है, इसका IP address है। अगर मैं ये IP address आपको दूंगा, तो आप कोई गारंटी नहीं है कि इसे याद रख पाएंगे। बट अगर मैं आपको अपना डोमेन नेम दूंगा जो कि virtualpainter.in है, तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। सो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करने के लिए अपना डोमेन नेम दूंगा, ना कि आईपी एड्रेस, जो कि इंटरनली उसे ट्रांसलेट करेगा आईपी एड्रेस में। आप अपने यूआरएल में, अपने ब्राउज़र में virtualpainter.in डालेंगे, वो इंटरनली ट्रांसलेट करेगा मेरे आईपी एड्रेस को, और मेरी जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन नेम एक्सटेंशंस अवेलेबल इन मार्केट, लाइक .com, .org, .gov, .edu, .in और बहुत सारे हैं, .co, .in और बहुत सारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन है। लाइक .com है कमर्शियल बिजनेस के लिए, .org है ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली नॉन प्रॉफिट, .gov है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, .edu है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, .net है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .in ये इंडिया के कोड को रिफर करता है। ऐसे और भी बहुत डिफरेंट एक्सटेंशन है, बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस फॉर्मेट में फिट बैठती है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उस हिसाब से आपको अपना डोमेन नेम एक्सटेंशन सिलेक्ट करना होगा। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग क्या होता है। वेब होस्टिंग प्रोवाइड्स द स्पेस ऑन द सर्वर फॉर योर वेबसाइट। वेब होस्टिंग इज द सर्विस दैट मेक्स योर वेबसाइट अवेलेबल टू बी व्यूड बाय अदर्स ऑन द इंटरनेट। अ वेब होस्ट प्रोवाइड्स स्पेस ऑन द सर्वर सो दैट अदर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड कैन एक्सेस योर वेबसाइट बाय मींस ऑफ ए नेटवर्क और मॉडम। देखिए, अगर आपने वेबसाइट बना ली है और अपनी वेबसाइट को नाम दे दिया है, जो कि डोमेन नेम दे दिया है, समझ लीजिए एड्रेस दे दिया है, अब उस वेबसाइट को आपको इंटरनेट पे कहीं तो रखना होगा। यही काम करती है वेब होस्टिंग सर्विस। जो प्रोवाइडर होते हैं वो आपको सर्वर में, अपने सर्वर में एक स्पेस देते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी यूज़र, जैसे कि आप अगर मेरी वेबसाइट का नाम डालेंगे www.virtualpainter.in, तो जो भी रिक्वेस्ट है वो सर्वर में जाएंगी, वहाँ से मेरी वेबसाइट को उठा के आपके ब्राउजर में डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे। अब बात आती है हाउ टू गेट अ डोमेन एंड होस्टिंग। हम डोमेन और होस्टिंग ये कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर लाइक गोडेडी, बिगरोक, होस्टिंग राजा और बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे भी है जो फ्री डोमेन और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक .tk and 00webhost, बट इनका एक्सटेंशन फिर चेंज हो जाता है, वो .tk एक्सटेंशन हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सीखने के उद्देश्य या अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं .tk।
से आप डोमेन खरीद लीजिए, jot.n00 वेब होस्ट से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए आप अगर वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेड वाली ही यूज़ करिए। आप GoDaddy में जाके अपनी डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीद सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट virtualpainter.in का डोमेन और होस्टिंग दोनों GoDaddy से खरीदा है। चलिए मैं आपको एक बार जाके दिखाता हूँ कि GoDaddy से आप कैसे बाय कर सकते हैं। सो URL में मैं डालूंगा www.godaddy.com। साइन इन, अगर आप फर्स्ट यूजर है, आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो आपको एक बार अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। ये लॉग इन हो गया है। जैसे यहाँ पे सर्च डोमेन आया है, अब मैं आपको एक डोमेन सर्च करके दिखाता हूँ, virtualpainter.in, ये मैंने सर्च कर लिया। देखिए ये बोल रहा है सॉरी virtualpainter.in इज टेकन। हाँ, क्योंकि ये जो डोमेन नेम है ये मैंने ही खरीदा, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है। लेकिन इससे रिलेटेड दूसरे डोमेन नेम जो अवेलेबल है वो है virtualpainter.co.in, virtualpainters.in, virtualpainter.net, virtualpainter.com, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है। चलिए हम ये देखते हैं कि ये क्या कॉस्ट करता है। virtualpainter.co.in ये बोलता है ₹99, फर्स्ट ईयर प्राइस इज 99 एडिशनल। चलिए मैं आपको ऐड टू कार्ट करके दिखाता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ट। Continuous option, so ये देखिए .co domain registration virtualpainter.co। एक और ये पहले ही ऐड किया हुआ था, जैसे अभी ये वाला किया अपन ने .co.in, virtualpainter.co.in, ये दो साल का बता रहा है 648। मैं इसको 1 year कर देता हूँ। तो ये आपको जो virtualpainter.co.in है, ये रजिस्ट डोमेन आपको मिल रहा है सिर्फ 339 में एक साल के लिए, 379.68, जो भी टैक्स वगैरह 40.68 मिला के होता है 379.68। तो यहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट का, वॉलेट्स, UPI बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। आप यहाँ से आके होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, जैसे मैं होस्टिंग आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग है, स्टार्टर के लिए है, इकोनॉमी के लिए, डीलक्स के लिए, अल्टीमेट के लिए। तो जैसे आप ये खरीद सकते हैं होस्ट अ सिंगल वेबसाइट, ₹99 पर मंथ आपको पड़ेगा ये, जिसमें आप एक वेबसाइट 30GB स्टोरेज मिलेगा आपको। सो यहाँ से GoDaddy से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। आपने डोमेन खरीद ली, होस्टिंग खरीद ली, अब वेबसाइट कैसे बनाएं? So if you are a developer or you have some knowledge of coding, then you can use any of this language like PHP, Java, .NET and build your website. अगर आप developer है या आपको coding का knowledge है या आप software developer है, तो आप कोई भी एक language use करके अपनी website बना सकते हैं। But अगर आपको coding का कुछ भी knowledge नहीं है, तो कोई tension की बात नहीं है। आप ऐसे content management system software tools available है market में, like WordPress, Drupal, Radiant, Magento, Silverstick, जिसमें आप इजीली बाय जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। सो वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिना नॉलेज के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस यूज़ करके कैसे सिंपल तरीके से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।